जान बुझ के बदलियां दूर कीतियां जांदियां ताकि वह बदलियां कराउण वास्ते आउण ते फिर उन्हां नूं इन्ना ज्यादा मतलब खज्जल खुआर किया जाए भी वह कह दें चल दो महीने की तनखा ही मंगता है दे दें रखड़ा 10 किलोमीटर है देवीगढ़ 18-12-15 जिहड़े तरीके नाल उन्होंने हो कहा ना मैं कहा भी उही रखड़ा जिहड़ा इराक च पैंदा है कहिंदा नहीं जी पटियाले दे नाल ही है ते मेरी बदली कर दो कित्थे कर दो कहिंदे शहर च 4 किलोमीटर मैं बिजली बोर्ड वालों कहा मैं ऐ करो एक ना ग्रिड इन्हां दे घर दे पिछले पासे ला दे तुसीं हुण कल्ले अपने परिवार दे नहीं रहे तुसीं हुण सरकार दे परिवार दे भी मैंबर बन चुके हो हुण सरकार दा हिस्सा हो तुसीं हुण तुसीं सरकार दे परिवार दे मैंबर हो ते सरकार तुहाडे लई की कर सकदी है इहदे वास्ते सुझाव दिंदे रहो जिस तरह सिंगला साहब ने कहा असी कोशिश यही करांगे कि दिक्कत ज़्यादा ना आवे भी बदलियां दी लोड़ ना पवे क्योंकि पहले की हुंदा सी जान बुझ के बदलियां दूर कीतियां जांदियां ताकि वह बदलियां कराउण वास्ते आउण ते फिर उन्हां नूं इन्ना ज़्यादा मतलब खज्जल खुआर किया जाए भी वह कह दें चल 2 महीने की तनखा ही मंगता है दे दें यार कला हो जाए असी ये नहीं करना कोशिश करांगे कि घरां दे रेडियस दे विच ही काम करो ज़्यादा वधिया काम करोगे पर कोई कितें दूर जाओगे तो घर आने की चिंता रहेगी घर वाले भी तुहाडे कोले आउणगे सो कई बार कंसंट्रेशन जिहड़ी है काम तो हट जाती है सो असीं कोशिश यही करांगे जिम भाजी जिन्नी भी करनी है ना कोशिश करो कि घरां दे रेडियस दे विच ही कितें हाँ जी पर हाँ इन्ना कई बार असी भी थोड़ा ज़्यादा हो जाने एक बिजली बोर्ड के मुलाजम आए कहिंदा जी मेरी बदली कहिंदा पहले मैं रखड़े लग्या होया सी मैं कहा अच्छा जी पटियाले दे नाल ही है चक के हो देवीगढ़ मारिया जी रखड़ा 10 किलोमीटर है देवीगढ़ 18-12-15 है जिहड़े तरीके नाल उन्होंने हो कहा ना मैं कहा भी उही रखड़ा जिहड़ा इराक च पैंदा है कहिंदा नहीं जी पटियाले दे नाल ही है मैं कहा फिर यार उत्थे कर लै नौकरी लोग गंगानगर तो आके इत्थे नौकरी करन नूं तैयार ने एक होर आए बिजली बोर्ड दी सी वो कहिंदे जी मेरी सस बीमार रहिंदी है ते मेरी बदली कर दिओ कहिंदे कित्थे कर दिओ कहिंदे शहर च ही आ 4 किलोमीटर दूर मैं बिजली बोर्ड वालों कहा मैं ऐ करो एक ना ग्रिड इन्हां दे घर दे पिछले पासे ला दे पिछों कंध तोड़ लैणगे उत्थों नौकरी कर लैणगे ये थोड़ा जिहा ख्याल रखियो तुसीं काम मिल रहा बहुत मुश्किल टैसट पास किए ने तुसीं पढ़ाइयां कीतियां अखां गालियां जिहनूं कहिंदे पंजाबी च तो हुण तुसी उन्हूं सौखा ना समझो कि हुण मैं बस नियुक्ति पत्र मिल गया हुण कोई जुगाड़ लाइए इधरों उधरों मंत्री नाल किसे नाल MLA नाल ते आपां घर दे नेड़े आ जाइए वो कम कम है पंजाब असी कहिड़ा देखो एक गल याद रखियो दुनिया जिहड़े बंदे तरक्की करदे आ वो जद्दी घरां च नहीं रहिंदे चाहे फिल्मां च लै लो शाहरुख खान दा जद्दी घर तां दिल्ली च अमिताभ बच्चन दा जद्दी घर तां इलाहाबाद है मनमोहन सिंह जो जद्दी करता फिर अमृतसर सी सो जे देश लई काम करना है तो कोई भी जिहड़ी दूरी है वह ज़्यादा नहीं होंदी शहीद आजम भगत सिंह होरी खटकड़ कलां तो चले UP जाके कानपुर फिर कदे कलकत्ते जाना कदे फिर लाहौर जाना मतलब उन्होंने जनून सीगा उन्होंने कि देश लई काम करना है भावें UP तो कर लो भावें बंगाल तो कर लो भावें पंजाब तो कर लो सो उन्होंने सानू ये मुल्क लैके दिता आजाद कराया
ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਸੀ ਲੋਕ, ਗਿੱਧੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਣ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, 47 'ਚ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੋਟ ਵਿਕ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਤੀਆਂ, ਉੱਕੀ ਦੇ ਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। 11 ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਕੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ, 4 ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 15 ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 4 ਨੇ ਸਾਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।